ये काम बिल्कुल खामोशी से करेंगे हम। बस तुम्हें ये करना होगा कि मेरे आदमियों को यहां से निकालना होगा काम के बाद। फिक्र ना करो तितिश, तुम्हारी तो औरतें भी हथियारों से लैस नजर आ रही हैं। हमारा तो बच्चा बच्चा जंगजू है और तुम जैसे काफिरों से लड़ना तो बहुत पसंद है हमें। तुम्हारा खून लग जाए तो हमारी तलवार बड़ी कीमती हो जाती है। ख्याल रखना, ये खून बहुत महंगा पड़ सकता है तुम्हें। तितिश, कोई हिमाकत न करना। देख चुके हो कि हमारी औरतें भी हथियारों से लैस हैं। मुझे बताए बगैर हमला किया तो नुकसान उठाओगे। हरगिज न भूलना ये बात। जाहिर है वह कोई चारा भी नहीं। हलब में हालात बहुत खराब। ये शाहबुद्दीन साहब। नूरगुल, बस थोड़ा सा सब्र। रूपोश है, बस बहुत जल्द तुम आजाद हो गए, वादा है तुमसे। अल्लाह जानता है। दरगाह सबसे महफूज जगह, इसलिए हम इन्हें यहां ले आए हैं। तमाम मसाइल इन जैसे सफाक लोग नहीं देखे मैंने। शहीर को और तुम्हें दोनों को सही से अर्तुगरुल भाई ने उन्हें एक अहम काम सौंपा है। अल्लाह महल के चारों तरफ पहरा लगा दिया है। मिलकर के लिए इनका वजीर आजम बनना जरूरी है। लेकिन नूरगुल सलामत निकाल ले जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। जल्दी भागो, छोड़ना नहीं इसको। मेरे आका, कोई कोशिश ना छोड़ना। चप्पा चप्पा छान मारो, समझ गए? क्या ताल्लुक इस बात का? बताया ना विदी। लेकिन अगर मैं अर्तुगरुल के फरार होने की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, और खासकर दीपन। यहां सब धर्म भरम है,
शहीद हो जाऊं। उधर गया है वो अमीर अली कद्र हजरत अल अजीज को जाओ। लेकिन अर्तगल भाई जो है इस मसले पे उनकी खास सोच है। तो कभी ले जाकर पापा आजम और शाह फ्रेडरिक को जो मकतूब आपने लिखे थे वो सिर्फ उधर भाग गए वो पकड़ो फौरन इसे। और वो इस सोच के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं। उन्हें बताना कि मैंने अब उनकी जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं रही। अजीज दोस्त खासी सख्त जान हो जान लिया होगा कि इनमें क्या लिखा था। पेत्रोचो तवक्के से कहीं ज्यादा बर्दाश्त है तुम्हारी। अर्तगल की गिरफ्तारी का मंजर अब तक आंखों में घूम रहा है शाहिना। से कहना कि देख लिया आपने जासूसी का कैसा निजाम। इतनी अजियतें थी मगर मजहब नहीं छोड़ा तुमने। हमें हर हाल में उन्हें ढूंढ निकालना होगा। नूरगुल एक पल को भी दम है हमारा। हमारे वसाइल लामहदूद हैं। आफरीन है। नूर को लगर तुम्हें नहीं बोला और सारी दुनिया पर सलीबी हुक्मरानी कायम करने का हमारा जो मंसूबा ये बात बैठे रहे अभी जिंदा है कहीं तो उसे भाई इतना खौफनाक तशद्दुद हुआ है वो बहुत जल्द कामयाबी से हमकिनार होता देख। बहादुरों की निशानी है और मैं बहादुर। जहमत ना करें अर्तगल ही छुड़ा सकते हैं। मगर तुम्हारी याद कहेंगे आप लेकिन अभी मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं इस मंत्रों को पसंद करती हूँ हमेशा। कैसी तबीयत है आप तुम्हारी कुछ खा लीजिए। जन्म हर पल में रही सूबे में Thank you.
मगर एक नाम सुनकर उम्मीद है कि तुम बोलो। जी अब मैं ठीक हूँ। दिल खुश हुआ ये जानकर। रोशन जज़ाकल्ला। यकीन दिल आराम से बस हकीम से बात हुई मेरी, वो भी मुतमईन है आपकी सेहत से। मेरे लिए खुद को मजीद खतरों में न डालें। कि मैं इससे बहुत शाहीना, अल्लाह हकीम साहब को जज़ा अता फरमाए, मेरा बहुत अच्छा इलाज। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मामू जान जिस तरह वजीर आजम थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ, इंशाल्लाह ये सब तुम हो। बेहोशी के आलम में भी बार बच गया। उमुल खैर खातून भी पल भर के लिए सिरहाने से फिर से उठे। अभी हर तरफ सख्त पहरा है। खुद कहोगे शाहीना से, तुमसे वादा है मेरा, बहुत जल्द आजाद करा लूंगा। बड़ी नाम ले रहे थे। इतनी हटी, मेहरबानी है आप सबकी। बहुत शिद्दत से आपकी सेहत याब। सुबह तक किसी पर गुजारा करे, मैं आपको महल से निकालने की कोई तदबीर करती हूँ। किलो और पी लो। क्या तुम्हारी महबूबा है? विका मुंतजर था। क्या ये बेहतर ना होगा? असल मसला महल से निकलना नहीं है, नासिर है। साजिशों का ताना बाना उसी। कि हम कमरे में बैठकर बीमारी और सेहत का रोना रोने के बजाय बाग में चलकर चल समझिए आप। मतलब कसम खा ली है कि कुछ नहीं बोलोगे? हलकत नहीं करें और अच्छे अच्छे मौजूद पर दुआ कर ली शहीर। या सबूर पढ़ते रहो। ठीक है, बात करें। मसलन शायरी। या सबूर। तो मैं जा रही हूं। शायरी से लगाव है ना हलीमा? से क्या जानना चाहती हो? तुम्हें अपनी लिखी हुई शायरी दिखाना चाहता हूं मैं।
अच्छा एक बात तो बताओ, वो आदमी नूरगुल? अपने बाप के कातिल का पता? असल में जैसे जैसे सेहतयाब हो रही हूँ तो वैसे वैसे मेरे बाबा की मौत के बारे में सही कह रहा था। वो कभी झूठ नहीं। खुदावंद की तुम पर बरकत हो मेरे बच्चों। हाँ बाबा का, से महल छोड़ने का वक्त भी करीब आ रहा है, जल्द से जल्द बोलते। ठीक है। मैं प्यारों के पास जाना चाहते हैं हम लोग, वैसे भी लैला सुल्तान को। अच्छा अब मेरे साथ दुआ करो, सही है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हाल देख रही हो? मैं जिंदान में कभी दाखिल नहीं हुई, को बहुत सहमत उठानी पड़ी। जब तू दुआ करे तो औऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि। मगर जानती हूँ वहाँ जुवानी नामी एक कैदी है। तो अपनी कोठरी में जाकर दरवाजे का पर्दा गिरा दे और खुदा की नजर से जो पोशीदा है। खास दिन इजा वकब ومن شر النفاثات في العقد ومن زندان میں تو صرف ظاہر ہے وہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ حلب میں حالات بہت خراب ہیں۔ ये शाहबुद्दीन साहब, नूरगुल बस थोड़ा सा सब्र। रूपोश है, बस बहुत जल्द तुम आजाद होके वादा है तुमसे। अल्लाह जानता है। दरगाह सबसे महफूज जगह, इसलिए हम इन्हें यहां ले आए हैं। तमाम मसाइल इन जैसे सफाक लोग नहीं देखे मैंने। शहीर को और तुम्हें दोनों को सही समझ। महल के चारों तरफ पहरा लगा दिया है मिलगेल के लिए। इनका वजीर आजम बनना जरूरी है। लेकिन नूर को सलामत निकाल ले जाऊंगा इंशाल्लाह। शहीद की नमाज जनाजा के लिए जरूरी इंतजाम कर लें। बताया ना मेरी। लेकिन अगर मैं कल के फरार होने की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, और खासकर दिलहन यहां सब धर्म भरम है। शहीद हो जाओ।
और ये बताना कि मैंने कि अब उनकी जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं रही असीज दोस्त। खासी सख्त जान हो तुम। कितना जुल्म सहा है थॉमस। जाहिर है जब ये मालूम हो गया तुम्हें। यहां सबको अंदाजा हो चुका है। जान लिया होगा कि इनमें क्या लिखा था पेत्रोचो। तवक्के से कहीं ज्यादा बर्दाश्त है तुम्हारी। अर्तगल की गिरफ्तारी का मंजर अब तक आंखों में घूम रहा है शाहिना। से कहना कि देख लिया आपने जासूसी का कैसा निजाम। इतनी अजियत थी मगर मजहब नहीं छोड़ा तुमने। हमें हर हाल में उन्हें ढूंढ निकालना होगा। नूरगुल एक पल को भी दम है हमारा। हमारे वसाइल लामहदूद है। आफरीन है। नूर को लगर तुम्हें नहीं भूला और सारी दुनिया पर सलीबी हुक्मरानी कायम करने का हमारा जो मंसूबा ये बात। बैठे रहे। अभी जिंदा है कहीं तो उसे भाई इतना खौफनाक तशद्दुद हुआ है वो बहुत जल्द कामयाबी से हमकिनार होता देख। बहादुरों की निशानी है और मैं बहादुर। जहमत ना करें। अर्तगल ही छुड़ा सकते हैं। मगर तुम्हारी याद हिंगे आप। लेकिन अभी मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं इस मंजरों को पसंद करती हूँ हमेशा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी। कुछ खा लीजिए। जन्मे हर पल में रही सूबे में। अगर आपको पापा आजम। अच्छा बोलते भी कम। ताकत बहाल रहना लाजमी है। शाहिना को बना दे। गुंतीगंज शहीद हो गया। और बाकी सब लोग। बाकी सब खैरियत से हैं। तो ये दिलचस्पी काफी बढ़ जाएगी प्यारे दोस्तों। मगर एक नाम सुनकर उम्मीद है कि तुम बोलो। जी अब मैं ठीक हूँ। दिल खुश हुआ ये जानकर। रोशन जज़ाकल्ला। यकीन दिलाना उसे। बस
हकीम से बात हुई मेरी, वो भी मुतमयन है आपकी सेहत से। मेरे लिए खुद को मजीद खतरों में न डाले कि मैं इससे बहुत शाहीना। अल्लाह हकीम साहब को जज़ा अता फरमाए, मेरा बहुत अच्छा इलाज। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मामू जान जिस तरह वजीर आजम थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ, इंशाल्लाह ये सब तुम हो। बेहोशी के आलम में भी बार बच गया, उम्मुल खैर खातून भी पल भर के लिए सिरहाने से फिर से हो जाए। अभी हर तरफ सख्त पहरा है। खुद कहोगे शाहीना से, तुमसे वादा है मेरा, बहुत जल्द आजाद करा लूंगा। बड़े इनाम ले रहे थे, इतनी हटी, मेहरबानी है आप सबकी। बहुत शिद्दत से आपकी सेहत याब। सुबह तक किसी पर गुजारा करे, मैं आपको महल से निकालने की कोई तदबीर करती हूँ। किलो और पी लो। क्या तुम्हारी महबूबा है? बिका मुंतजर था। क्या ये बेहतर ना होगा? असल मसला महल से निकलना नहीं है, नासिर है, साजिशों का ताना बाना उसी। कि हम कमरे में बैठकर बीमारी और सेहत कोरोना रोने के बजाय बाग में चलकर चल। अल्लाह की रजा से बुना है, समझिए आप। मतलब कसम खा ली है कि कुछ नहीं बोलोगे? हलकत नहीं करें और अच्छे अच्छे मौजूदात पर दुआ कर ली शहीद। या सबूर पढ़ते रहो। ठीक है, बात करें, मसलन शायरी। तो मैं जा रही हूं। शायरी से लगाव है ना आलिमा? मेरे आका, मुझसे क्या जानना चाहती हो? तुम्हें अपनी लिखी हुई शायरी दिखाना चाहता हूँ मैं। अच्छा एक बात तो बताओ, वो आदमी नूर कौन? Thank you.
अपने प्यारों के पास जाना चाहते हैं हम लोग। वैसे भी लैला सुल्तान को। अच्छा, आप मेरे साथ दुआ करो, सही है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सालार कहाँ हैं? तो ये दिलचस्पी काफी बढ़ जाएगी प्यारे दोस्त। हम मगर एक नाम सुनकर उम्मीद है कि तुम बोलो। जी अब मैं ठीक हूँ। दिल खुश हुआ ये जानकर। रोशन, जज़ाकअल्लाह। यकीन दिलाना उसे। बस हकीम से बात हुई मेरी, वो भी मुतमईन है आपकी सेहत से। मेरे लिए खुद को मजीद खतरों में न डालें। कि मैं उससे बहुत शाहीना। अल्लाह हकीम साहब को जज़ा अता फरमाए, मेरा बहुत अच्छा इलाज। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मामू जान जिस तरह वजीर आजम थे। बहुत मोहब्बत। रास्ते में हम पर हमला हुआ मेरे आका। उमुल खैर खातून भी पल भर के लिए सिरहाने से फिर से हो जाए। अभी हर तरफ सख्त पहरा है। खुद कहोगे शाहीना से, तुमसे वादा है मेरा, बहुत जल्द आजाद करा लूंगा। बड़ी इनाम ले रहे थे। इतनी हटी मेहरबानी है आप सबकी। बहुत शिद्दत से आपकी सेहत याब। सुबह तक किसी पर गुजारा करे, मैं आपको महल से निकालने की कोई तदबीर करती हूँ। और पीलो। हल की राह पर सफर में है शाहीना और हमजा, कल यहाँ वापस आ जाएंगे। बेटा मुंतजर था, क्या ये बेहतर ना होगा? असल मसला महल से निकलना नहीं है, नासिर है। साजिशों का ताना बाना उसी। हम कमरे में बैठकर बीमारी और सेहत कोरोना रोने के बजाय बाग में चलकर चल। अल्लाह की रजा से। कुछ नहीं बोलोगे? हलकत नहीं करें और अच्छे अच्छे मौजूदात पर दुआ कर ली शहीद। ठीक है, बात करें। मसलन शायरी। या सबूर। तो मैं जा रही हूं। शायरी से लगाव है ना आलिया? उनका हामी नासिर हो। इलियास फकी को खबर कर दो जाकर।